Hey guys, welcome back to the channel. और आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक ऐसी कन्फ्यूजन को दूर जिसको लेके बहुत सारे राइडर्स कन्फ्यूज़ होते हैं एक नई बाइक को ख़रीदने से पहले. वो होता है कि क्या हमको एक MTB लेनी चाहिए, हमको रोड बाइक लेनी चाहिए या फिर हाइब्रिड लेनी चाहिए. सो आज का वीडियो पूरा देखना. और गाइस, सबसे पहली बाइक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये B20 की हाइब्रिड बाइक. हाइब्रिड बाइक क्या होती है और क्यों लोग काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड बाइक्स को भी पसंद करते हैं, तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको हाइब्रिड बाइक लेनी चाहिए. नाउ गाइस, हमारे सामने अभी जो यहाँ पे बाइक खड़ी है, दिस इज़ B20 रिवरसाइड 500. ये इनकी एक हाइब्रिड सीरीज़ की बाइक है जो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी मानी जाती है. और अगर आप इसमें देखोगे गाइस, तो इसका जो टायर है वो MTB के मुकाबले देखो थोड़ा सा पतला है, बट रोड बाइक से थोड़ा सा मोटा है, जिसकी हेल्प से आपको थोड़े से ऑफ रोडिंग में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड कर देगा और आप अच्छी तरीके से बाइक को हैंडलिंग कर लोगे. हाइब्रिड बाइक में गाइस, अगर आप हैंडल बार को देखोगे तो ये कई बार फ्लैट या फिर इस तरीके के राइज़र में आते हैं, जिससे आपको एक कंफर्टेबल राइड मिल सके और काफ़ी अच्छी हैंडलिंग आपको मिलती है. तो गाइस, हम हाइब्रिड बाइक के फ्रेम की बात करें तो हाइब्रिड का जो फ्रेम है वो MTB के तरह ही थोड़ा बहुत बनाया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग आपको मिल सके, बट इसी के साथ साथ ये रोड बाइक के फ्रेम से भारी भी होता है. हाउएवर, MTB का जो फ्रेम होता है उससे थोड़े से लाइट वेट होते हैं, बट इनकी जो ओवरऑल ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके की होती है कि आपको एक अपराइट और कंफर्टेबल पोजीशन मिल सके लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए. आजकल हाइब्रिड बाइक्स डिस्क ब्रेक के साथ भी आपको मिल जाती है, जैसा आपने कई तरीके के मार्केट में देखा है. फ्लैट पेडल्स इसमें माउंटेन बाइक की तरह आपको मिल जाते हैं ताकि आपका पैर पूरी तरीके से इसमें कम्फर्टेबल रहे. इस बाइक में गाइज, एक चीज़ आप और देखोगे कि इसका जो सीट पोस्ट है वो देखो सस्पेंशन वाला है, ताकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस में काफ़ी कम्फर्टेबल मिले. और जो इसकी सीट है वो काफ़ी कुशनी है रोड बाइक के मुकाबले. रोड बाइक में इतना ज़्यादा कुशन वाला सीट आपको मिलता नहीं है. सो ओवरऑल गाइज, अगर आप एक ऐसी बाइक देख रहे हो जिसको आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए ले जा पाओ और आपको कंफर्टेबल राइड मिलती रहे, मतलब जिसको आप बस नॉर्मली स्पीड में चलाते रहो ताकि आप काफ़ी अगर लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हो तो आपको पूरे तरीके से कम्फर्ट मिलती रहे, तो आप एक हाइब्रिड बाइक ले सकते हो. हाइब्रिड बाइक आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए काफ़ी आसान रहेगी, बिकॉज ये माउंटेन बाइक के मुकाबले काफ़ी कम रेजिस्टेंस इसमें लगता है. टायर्स इसके माउंटेन बाइक के मुकाबले पतले होते हैं, तो आपको राइड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. इस बाइक को माउंटेन बाइक की तरह ट्रेल राइडिंग या फिर फुल ऑन ऑफ रोड राइड तो नहीं कर सकते, पर छोटी मोटी ऑफ रोड राइड आप इसमें कर लोगे एक नॉर्मल रोड बाइक के मुकाबले. तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड बाइक किन लोगों को लेनी चाहिए. नाउ गाइस, अभी तक तो हम लोगों ने देखा था हाइब्रिड बाइक. एक माउंटेन बाइक हाइब्रिड बाइक के मुकाबले रोड बाइक में क्या क्या डिफरेंस है, और मैं आपको दिखाता हूँ. नाउ गाइस, सबसे मेजर डिफरेंस आप जो देखोगे एक रोड बाइक में जो होता है माउंटेन बाइक और हाइब्रिड बाइक के मुकाबले, दैट इज़ दी हैंडल बार. इसके जो हैंडल बार होते हैं ये आप देखोगे इस तरीके के ड्रॉप बार्स में, जिसके हेल्प से आपको पूरा एरो पोजीशन मिलता है, काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन मिलता है सामने की तरफ, जिससे आप काफ़ी हाई स्पीड में राइड कर सकते हो. सेकेंड डिफरेंस जो आप एक रोड बाइक में देखोगे गाइस, वो है इसके टायर. मेरे अंगूठे से ही देखो ये ज़्यादा मोटा नहीं है, तो ये इतने पतले टायर होने के वजह से ये आपको रोड राइडिंग में बहुत स्पीड देती है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसको रोड बाइक बोला जाता है, बिकॉज आप इसको किसी ट्रेल राइड्स में या फिर मड वगैरह में लेके जाओगे तो ये टायर्स आपको उतने अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं देंगे. ये सिर्फ और सिर्फ रोड में चलने के लिए बने हैं ताकि आपको रोड में अच्छी कम्फर्टेबल राइड प्रोवाइड कर सके. एक और डिफरेंस गाइस जो आप देखोगे एक रोड बाइक के फ्रेम जो होता है माउंटेन बाइकिंग या हाइब्रिड बाइक्स के मुकाबले, इनके जो फ्रेम होते हैं नॉर्मली वो एंड्योरेंस और आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड में कंफर्टेबल राइड देने के लिए बनाए जाते हैं. इसके ऊपर जब आप बैठते हो और प्लस आप अपने ड्रॉप बार हैंडल बार के ऊपर रखते हो, तो आपका जो पूरा पोजीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ रहता है, जिससे आप एक एरो पोजीशन बना लेते हो और आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जनरली थोड़े से मिड रेंज रोड बाइक्स में आपको यहाँ पे कार्बन का फोक मिल जाता है, जो हाइब्रिड बाइक या माउंटेन बाइक में नहीं होता है, तो ये काफ़ी आपके बाइक को लाइट वेट बनाने में हेल्प करते हैं. ओवरऑल जो बाइक का पूरा फ्रेम होता है या जो पूरी बाइक होती है वो माउंटेन बाइक और हाइब्रिड बाइक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्की होती है. अनदर डिफरेंस गाइस जो रोड बाइक में होता है, इनके जो क्रैंक सेट होते हैं वो काफ़ी बड़े चेन रिंग के साथ होते हैं, ताकि आपको पेडलिंग में काफ़ी ज़्यादा पुश मिल सके. और पीछे की जो गियरिंग होती है नॉर्मली वो 1128 जितने भी रोड बाइकर्स या रेसर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. छोटा कैसेट होता है इनका, क्योंकि रेसिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है तो बड़े कैसेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है. ये टोटल डिफरेंस गाइस एक पूरे रोड बाइक को बनाता है. नाउ गाइस, द बिगेस्ट क्वेश्चन कि रोड बाइक किन लोगों को लेनी चाहिए. नाउ एज अ बिगिनर, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप सिटी के अंदर ही राइड करोगे, लाइक अगर आप अपने घर से ऑफिस या फिर अपने घर से स्कूल या ऐसे कहीं नॉर्मल राइड कर रहे हो जो सिटी के अंदर है, ऑफ रोड राइड नहीं कर रहे हो, कोई भी माउंटेन बाइकिंग ट्रेल्स में नहीं जा रहे हो, तो रोड बाइक आपके लिए बेस्ट है. आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी कम एफर्ट के अंदर, आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक राइड कर पाओगे रोड बाइक को लेके.
Now, the next bike category is the most popular one, which is mountain bike. ज़्यादा gear ratio इनमें आपको मिलता है. MTB frames काफ़ी tough बनाए जाते हैं. Handlebar और stem आपको greater control के साथ साथ high power brakes भी इनमें आपको मिलते हैं. MTB की खासियत ये है कि इनको आप माउंटेन टेरेन में चलाने के साथ नॉर्मल टारमैक रोड पर भी बहुत आसानी से चला सकते हो. बस एफर्ट ज़्यादा लगता है इनमें रोड बाइक और हाइब्रिड बाइक्स के मुकाबले, बिकॉज इनके टायर चौड़े होते हैं. टायर विद ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे रोड बाइक के अगेंस्ट बहुत स्लो चलती है एक माउंटेन बाइक, बट कंट्रोल्स उतना ही अच्छा होता है इनमें. MTB में जो फन आप कर सकते हो वो रोड बाइक या हाइब्रिड बाइक में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन बाइक्स की कुछ लिमिटेशंस होती है. सो अगर आपको एक बाइसाइकिल चाहिए जिसको आप किसी भी तरह के टेरेन कंडीशन में चलाना चाहो, तो फिर माउंटेन बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये हर तरह के सिचुएशन में आपको हेल्प करती है. फिर चाहे वो बारिश हो, कीचड़ हो, ख़राब रास्ते हो या फिर नॉर्मल रोड हो, आप किसी भी तरह के रास्तों पर MTB को बहुत ही आसानी से चला सकते हो. सो आपकी फेवरेट कैटेगरी क्या है कमेंट्स करके बताओ, और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पर लाइव अपडेट्स के लिए. टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल.